लंदन में गिरफ्तार हुआ पीएनबी घोटाले का आरोपी नीरव मोदी, वेस्टमिंस्टर कोर्ट में होगी पेशी। जेट एयरवेज की समाधान योजना से बाहर रहेगा एतिहाद, देनदारों ने एतिहाद की जगह नए निवेशक को तलाशने का विकल्प सुझाया। लगातार दूसरी बार चीन की बेल्ट और रेड फोरम का बॉयकॉट कर सकता है भारत, अगले महीने अब तक की सबसे बड़ी बीआरएफ में भाग लेने का पाकिस्तान। बीते 5 साल में तेज भारत के आर्थिक विकास को अमेरिका में भारत के राजदूत ने बताया शानदार, हर्षवर्धन ने कहा अगले 5 साल में बनेंगे $5 खरब की अर्थव्यवस्था। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म इंस्टाग्राम ई कॉमर्स सेक्टर में उतरा, चेकआउट बटन से यूजर अपने मनपसंद प्रोडक्ट की तलाश कर पाएंगे। सोशल मीडिया से जुड़े खतरों पर न्यूजीलैंड की पीएम ने दुनिया भर से कार्रवाई की गुजारिश की, कहा सोशल मीडिया को बनाया जा रहा है हिंसा भड़काने का हथियार। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने लगाया सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर आरोप, कहा रिपब्लिकन पार्टी के साथ भेदभाव कर रही हैं कंपनियां। बीते 5 हफ्तों में एशिया की सबसे शानदार करेंसी बना रुपया, मोदी सरकार की वापसी की उम्मीद से हुआ सुधार। गेमिंग कंसोल्स की जरूरत को खत्म करेगी गूगल की नई सर्विस स्टेडिया, इंटरनेट से जुड़ी किसी भी डिवाइस से खेल सकेंगे वीडियो गेम्स। बिल गेट्स ने 20 साल बाद दोबारा $100 अरब की नेटवर्थ हासिल की, सेलीट क्लब में केवल जेफ बेजोस और गेट्स शामिल।